हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बसंती हवा का क्या करने वाले हैं। हम स्वाध्याय और प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या किया था, जो बसंती हवा का जो लेसन है, जो पोयम है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी क्या है पढ़ लिया है। तो अभी जो बसंती हवा का जो प्रश्न उत्तर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में क्या है, अपने चित्र के बारे में आपको बोलना है, ठीक है। आप जैसे ही टेक्स्ट बुक खोलेंगे, जैसे ही आप बसंती हवा का चैप्टर खोलेंगे, उसके नीचे ही आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं और इसके बारे में आपको पूछा है। तो इसका उत्तर किस प्रकार है, किसान कंधे पर गमछा डाले जा रहा है, बैल खड़ा है, आम का पेड़ फलों से लदा है, एक ऊंचा पहाड़ है, चिड़िया बहुत सुंदर है, पहाड़ से झरना बह रहा है, ठीक है। और इसी तरह से आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको कुछ और प्रश्न दिखेंगे, जैसे यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो, ठीक है। यानी प्रकृति में अगर कोई भी रंग नहीं होता, आपको अगर पेड़ हरे कलर के नहीं दिखाई देते, फूल पौधों में कोई रंग नहीं होता, तो आपको कैसा लगता। यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो प्रकृति बेरंग नजर आती, प्रकृति के सुंदर रंगों को देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है, रंगों के अभाव से सारी प्राकृतिक सारे जीव जंतु मानव पेड़ पौधे फल फूल एक ही जैसे नजर आते, ठीक है। ये आपको समझ गया। आगे क्वेश्चन है कि मैंने समझा, आपने क्या समझा इस बसंती हवा से। तो बसंती हवा बड़ी ही बेफिक्र, निडर, बावली और मस्त मौला है। वह एक को फक्कड़ मुसाफिर की तरह कभी इस पेड़ से उस पेड़ को कभी खेतों में अटखेलिया करती फिरती है, यानी उसको कोई भी रोक नहीं सकता, उसको कोई भी डरा नहीं सकता, ठीक है। आगे प्रश्न दिया गया है कि दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखे। लययुक्त शब्द का मतलब होता है कि आपको जो लय लगने वाले, हवा रवा, आप देख सकते हैं इसमें जो तुक मिल रहा है, यानी तुक मिलने वाले शब्द आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पहला है हवा, उसका है रवा, बावली, सावली, सरसों, बरसों, असली, असली, तुलसी, महुआ, बथुआ, ठीक है। ये आपको कुछ लययुक्त शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से आगे प्रश्न है कि ऋतु के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि कितने ऋतुएं होती है, टोटल 6 ऋतुएं होती है, उनमें से यहाँ पे आपको मैंने 6 की 6 जो ऋतु हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया है। तो यहाँ पे बसंत ऋतु में प्रकृति बड़ी सुहावनी हो जाती है, हर तरफ रंग बिरंगे फूल व हरे भरे वृक्ष दिखाई देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी पड़ती है, इस दौरान आम जामुन जैसे रसीले फलों का आनंद हम उठाते हैं। वर्षा ऋतु में क्या होता है, बरसात के कारण तालाब और जो नदी है वो क्या है, पानी से भर जाते हैं। शरद ऋतु यानी ठंडी में क्या होता है, यह ऋतु बहुत ही सुहावनी होती है, इस दौरान अधिक गर्मी होती है न ही अधिक ठंड होती है। इस शरद ऋतु में क्या है, ना ही अधिक गर्मी होती है ना ही अधिक ठंडी होती है, ठीक है। वसंत हेमंत ऋतु में क्या होती है, हेमंत में ठंडी बढ़ जाती है, इस दौरान दिन छोटे होने लगते हैं और रातें बड़ी। यानी जनवरी के बाद का जो महीना होता है, जनवरी फरवरी, इसमें आप देख सकते हैं कि आप इसमें ऑब्जर्व भी कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको जो दिन है वो आपको 6 बजते ही क्या लगेगा कि हाँ अंधेरा होने लगा है। परंतु जब आप गर्मी के सीजन में आप देखेंगे जैसे मई जून, तो आपको 7 बजे, 7:20 ऐसे टाइम पे आपको अंधेरा होते हुए दिखेगा, ठीक है। अगला है शिशिर ऋतु। इस ऋतु में सर्दी अधिक होती है, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें क्या होती है, बहुत ही लंबी होती है, ठीक है। आगे एक और प्रश्न है, विद्यालय स्वच्छता अभियान। विद्यालय स्वच्छता अभियान का मतलब क्या है कि आपके जो पाठशाला है उसके अंदर आपको एक स्वच्छता अभियान चलाना है और इसमें आपका जो सहयोग है वो क्या करना है, सबको बताना है। तो विद्यालय स्वच्छता अभियान के तहत हमारे विद्यालय में महीने में 2 बार क्या होती है, सभी छात्र अपने अध्यापकों के साथ मिलकर विद्यालय की क्या करते हैं, सफाई करते हैं। इस अभियान के अंतर्गत विद्यालय और विद्यालय परिसर की सफाई की जाती है। मैं हर बार इस अभियान में पूरे मन से अपना सहयोग देता हूँ। हमारी कक्षा के छात्रों को कक्षाओं की सफाई का कार्य सौंपा जाता है। मैं हर बार कक्षाओं की खिड़की, दरवाजे, श्यामपट्ट पोछने का क्या करता हूँ, कार्य करता हूँ।
श्यामपट्ट का मतलब होता है जिस पे आप लिखते हैं, यानी ब्लैक बोर्ड आपका जो होता है उसे ही श्यामपट्ट कहा जाता है। मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि मेरे सभी जो साथी है वो क्या करें, जो कूड़ा है वो कूड़ेदान में ही डाले। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नहीं कुछ डैश डैश है, क्या नहीं है? नहीं कुछ फिगर है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो रिक्त स्थान दिए हैं मैंने, उन रिक्त स्थानों की जगह पे आपको गिरी धाम, ठीक है, वहाँ गेहूं में, ठीक है, हिलाया जुलाया गिरी न पर कलसी। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको जो रिक्त स्थान है, चारों रिक्त स्थानों के आंसर यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक और थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस प्रश्न में क्या क्या बताया है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें जैसे आपको प्लास्टिक और थर्माकोल का आपने देखा होगा कि इनका जो विघटन है जो बहुत ही लंबे समय तक नहीं होता, यानी कई सालों तक, कई 100 200 सालों तक इनका क्या है, विघटन नहीं होता। वे जहाँ है वहीं पे क्या रहते हैं, पड़े रहते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो जमीन है वो खराब हो जाती है। अगर कोई जानवर इन्हें खा ले तो क्या हो जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और इसके कारण उनकी मौत भी हो जाती है। और अगर ये बारिश में किसी नाले में फंस जाए तो बाढ़ जैसी स्थिति या पानी भराव जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको हवा प्रकृति का उपहार है, यही है जीवन का आधार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हवा हवा के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं और हवा आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आप अगर बिना भोजन बिना वस्त्र के आप कुछ समय तक रह सकते हैं, परंतु आप बिना हवा के 1 मिनट तक भी जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, आपने अगर कहीं पढ़ा होगा, मैंने यहाँ पढ़ा था कि एक जगह कि बिना अगर हवा अगर हमारी पृथ्वी से खत्म हो जाए, अगर हमारी पृथ्वी से अगर 1 सेकंड के लिए भी हवा खत्म हो जाए, तो उस 1 सेकंड में जो हमारे पृथ्वी है वो एकदम, जो बिल्डिंग बने हुए हैं, जो बड़े बड़े इमारत है, वो 1 सेकंड में क्या हो जाएंगे, एक धूल के माफिक टूटकर गिर जाएंगे बिना हवा के। ठीक है, तो ये आपको समझ गया कि हवा का कितना महत्व है, कि आपको 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, आप कुछ सेकंड भी बिना हवा के जी नहीं सकते। ठीक है, ये हवा का महत्व है। और यहाँ पे आपको दर्पण में देखकर कुछ पढ़ने के लिए कहा है, तो उसमें आपको क्या पढ़ने के लिए कहा है मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। उसमें आप तो एक तो 12 खड़ी दी है, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अः। ठीक है, और दूसरा हमें क्या दिया है, क ख ग घ, ये ठीक है, ये हमें पढ़ने के लिए बोला है। और हमें जो चित्र दिया है टेक्स्ट बुक में वो क्या है, उल्टा है। तो आपको क्या करना है, उस चित्र को ले जाके आपको आईने के सामने रखना है, तो आपको क्या वो चित्र क्या होगा, अच्छे से दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से आपने जो एम्बुलेंस लिखा होता है, आपने जो एम्बुलेंस की गाड़ियाँ देखी होगी उस पर जो एम्बुलेंस लिखा होता है आगे की तरफ, वह कैसा लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। तो इसके लिए जब हम उसको अपने गाड़ी के दर्पण से देखते हैं, जो आप अपने गाड़ी के मिरर से देखते हैं, तो हमें क्या रिफ्लेक्ट होता है कि वो हमें सीधा दिखाई देता है, ताकि जो आगे चलने वाला व्यक्ति है उसको समझ जाए कि पीछे क्या है, एक एम्बुलेंस है और उसमें कोई मरीज है, ताकि वो रास्ता आगे साइड कर दे और आगे एम्बुलेंस जा सके। तो यहाँ पे जो हमारा स्वाध्याय है, जो प्रश्न उत्तर है, यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।